सोमवार को सागर जिले के राहतगढ़ में एक ज्ञापन अहिरवार समाज के द्वारा सीएम के नाम राहतगढ़ एसडीएम ऑफिस में दिया गया। ज्ञापन में अहिरवार समाज ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मार्च 2020 में जिन कन्याओं की शादी हुई है उन्हें कन्यादान योजना के अंतर्गत 51,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाए, क्योंकि अभी कोरोना काल के चलते मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह सम्मेलनों का आयोजन नहीं हो रहा है। ऐसे में जो गरीब लोग अपनी बच्चियों की शादी घर से कर रहे हैं उन्हें कन्यादान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार चाहे तो कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कराए या एकल विवाह योजना को मान्यता देकर योजना का लाभ दिलाया जाए। ऐसी मांग अहिरवार समाज द्वारा ज्ञापन के माध्यम से की गई है। ज्ञापन उन कन्याओं उन मजदूरों के लिए दिया जा रहा है जो 2020 से मध्य प्रदेश में मार्च में लॉकडाउन लगा था, लाखों लड़कियों की शादी घर से हुई, जो सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान शादी नहीं की, जो लाखों कन्याएं वंचित हो गईं, और आज भी मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना नहीं कर रही। हमारे मुख्यमंत्री आपसे कहना चाहते हैं, मार्च 2020 से जिन कन्याओं की शादी घर से हुई है उनके 51,000 रुपया सरकार कर्ज लेकर उन लड़कियों को सरकार दे। जब सरकार 40,000 रुपये का कर्ज करोड़ हजार कर्ज ले सकती है तो कन्याओं की शादी के लिए 5,000 करोड़ का कर्ज क्यों नहीं ले सकती। हमारा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप जनहित की योजनाएं लाखों चल रही हैं जो सरकार हर विभाग में चल रहे हैं, किसानों को मिल रहे हैं, व्यापारियों को मिल रहे हैं, लेकिन गरीबों को नहीं मिल रहे। हमारा निवेदन है जो भी एकल विवाह घरते हो शादी हैं उनके लिए 51,000 रुपये सरकार दे। जिस तरह भवन निर्माण कार्ड में 51,000 दिए जाते हैं, संबल कार्ड में दिए जाएं, जाप कार्ड में दिए जाएं, बड़ी कार्ड में दिए जाएं, पत्थर कार्ड में दिए जाएं, हाथ ठेला कार्ड में दिए जाएं, सब लोगों जिनकी शादी हैं कन्याओं की घरते हो रही उनको 51,000 रुपये दिए जाए। माननीय मुख्यमंत्री यह विधानसभा प्रस्ताव पारित करके यह पारित करें।